थैंक यू। और पता है, हम आज सुबह 4 बजे घर पे पहुंचे। और एक मजे की बात बताऊं, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम्हें तो पता ही है मुझे काम करने का जुनून है, घर पे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे एक बात बताना, तुम्हें भूल गया, अब मैं 2-टायर ऑफिसर हो गया हूं, तो बैंक की तरफ से मुझे बॉडीगार्ड मिलने वाला है। पता है, मुझे हमेशा से ही ऐसा रुतबा पसंद था। अब मैं जहां जाऊंगा, दुनिया मुझे देखेगी कि कोई बड़ा आदमी आ गया है। अच्छा प्रदीप, रखता हूं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, चल बाय। तुम्हें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, मुझे पड़ता है। क्या मतलब, अभी हमें आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ। मुझे ना बड़े शहरों में रहने की आदत है, मैं इस गांव में नहीं रह सकती। हाँ, मैं मॉम की बात से एग्री हूँ। मैं तुम दोनों को पहले भी बता चुका हूँ, इस ब्रांच में कम से कम मुझे 2 साल और बिताने पड़ेंगे, तब जाके मुझे अगला प्रमोशन मिलेगा। बस काम और प्रमोशन, इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ बचा भी नहीं है, जैसे कि फैमिली और पत्नी। हाँ, नहीं बचा है, और तुम में ऐसी कोई बात भी नहीं है जो मैं तुम पे इतना ध्यान दूं। अब बस भी करो आप दोनों, पहला दिन हमारे इस घर में, एटलीस्ट आज तो कोई सीन क्रिएट मत ही करो। कहाँ जा रहे हो, नाश्ता तो करते जाओ। तुम्हारी बकवास से मेरा पेट भर गया है, नहीं करना नाश्ता, जा रहा हूँ ऑफिस, वहीं जाके शांति मिलेगी मुझे। बैग कहाँ है मेरा? वही कमरे में। हेलो मैडम, माय सेल्फ यश, रतन सर का नया पॉलिकल। ओह, वो आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप उनके रूम में चली जाइए, सीढ़ियों से ऊपर जाना, वही उनका रूम है। थैंक यू मैम। जरूरी है रूम। सर, मैं यश, आपका नया बॉडीगार्ड। सर अंदर जाके देखता हूं। सर I'm so sorry, ma'am. मैं गलती से आपके रूम में आ गया। तुम्हारी हिम्मत क्या थी मेरे कमरे में आने की? और तुम हो कौन? मैम, मैं यश, रतन सर का न्यू बॉडीगार्ड, and I'm sure आप उनकी बेटी होंगी। मैम, I'm so sorry, आपकी मम्मी ने बोला कि रतन सर रूम में है और मैं गलती से इस रूम में आ गया। प्लीज मैं तुम्हारी हरकतों के बारे में पापा को जरूर बताऊंगी। मैम प्लीज, I'm so sorry, मुझे माफ कर दीजिए मैम, प्लीज। Just get out. जी मैम। तुम यश हो ना? सर मैं ही तुम्हारा नया बॉस हूँ। सर मैं आप ही को रूम में ढूंढ रहा था। तुम लेट हो। नहीं सर, मेरी ड्यूटी 9 बजे स्टार्ट होती है और अभी 8:50 बजे। अब से तुम मेरे बॉडीगार्ड हो,
तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। कल से तुम रोज सुबह 7 बजे आओगे, क्योंकि अक्सर मैं ऑफिस जल्दी जाता हूँ और मेरे आने का कोई टाइम नहीं होता है। कोई बात नहीं सर, कल सुबह 7 बजे आ जाऊंगा। गुड, चलो अब बैग। सर एक मिनट पापा, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सॉरी रूबी, अभी कोई बात नहीं हो सकती, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। पर पापा, बात बहुत इम्पोर्टेंट है। रूबी, मेरे काम से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है। जो भी बात है हम इवनिंग में करेंगे। सुनो, ये फाइल गुप्ता जी को दे देना। मुझे इन्हें बताना पड़ेगा कि मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ, कोई चपरासी नहीं। छोड़ना, काम तो काम होता है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। तो फिर लो प्लीज। और सुनो, मेरे लिए एक चाय लेते हुए आना। सर कमेन। मैं तुम्हारी हरकतों के बारे में पापा को जरूर बताऊं। अगर रूबी मैडम ने आज के बारे में सर को बता दिया तो मैं नौकरी से हाथों बैठूंगा। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में एक ही आदमी सही सलाह दे सकता है। मेरे सर पे क्यों खड़े? जाओ बाहर। सॉरी सर। जी। यश, आज मेरे शेर दिन में कैसे याद किया मुझे? अब एक बेटे को अपने पापा से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्या पापा? वैसे बेटा मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं जानता हूँ पापा आप लोन के बारे में बात कर रहे हैं, और आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं टाइम से किस्त चुका दूंगा। मुझे माफ कर दे बेटा, बाप बेटे के लिए दौलत छोड़ के जाते हैं, लेकिन मैं वो अभागा बाप हूँ, तुम्हारे सर के ऊपर कर्ज का बोझ उतार रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा जी? शालिनी मेरी बहन है, उसकी शादी का खर्च उसका भाई नहीं उठाएगा तो और कौन उठाएगा? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं मैनेज कर लूंगा। मुझे तुझ पर नाज है बेटा। पापा, मुझे आपसे एक सलाह लेनी थी। हाँ पूछो। पापा दरअसल जाने अनजाने में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, और उस गलती की वजह से वो इंसान मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मेरी मानो बेटा, उस इंसान से सच्चे दिल से माफी मांग लो, उम्मीद करता हूँ वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। आप सही बोल रहे हैं पापा, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है बेटा। Come in. Excuse me, sir. आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? सर एक अर्जेंट काम है, सिर्फ 2 घंटे के लिए छुट्टी चाहिए। ये ऑफिस है, मजाक नहीं कि जब मर्जी आ गए जब मर्जी चले गए। I'm really sorry sir, काम बहुत अर्जेंट है, वरना मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करता। मैं ना तुम्हें देख के ही समझ गया था कि तुम एक नंबर के मक्कार और कामचोर आदमी हो। अपने गुस्से को काबू में रख यश, तुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। I'm really sorry sir. Sir, please, काम बहुत अर्जेंट है, 2 घंटे के लिए छुट्टी दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ इसके बाद मैं कभी छुट्टी के लिए डिमांड नहीं करूँगा। जाओ, बक्स दो मुझे। थैंक यू सर।
क्या कर रहे हो? घर पे कोई भी नहीं है, मम्मी बाजार गई है। मैम आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोलने आया था, मेरी कोई भी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। जो भी कहना है अंदर आके करो। कहो क्या कहना है? मैम ट्रस्ट मी, मुझे लगा था वो सर का रूम है, पर गलती से मैं आपके रूम में घुस गया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे लगता है तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया। तुम भी उन लड़कों जैसे हो जो मौका मिलते ही लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। नहीं मैम, नहीं ये गलत है। मैं तुम्हारे करतूतों के बारे में पापा को जरूर बताऊंगी। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज आप जो कहेंगी मैं करूंगा मैम, प्लीज। कुछ भी करोगे? कुछ भी, एक मौका प्लीज। मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कैसी बात मैम? तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करनी होगी। बस मैम ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मुझे ऐसा वैसा समझाया क्या? ये सब मेरे उसूलों के खिलाफ है और मैं अपने उसूलों के आगे गिर नहीं सकता, प्लीज। दो कौड़ी का बॉडीगार्ड, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे मना करने की? रुक, तेरी अब भी अकल ठिकाने पे लगाती हूँ। मैं पापा को वीडियो कॉल करने जा रही हूँ और बताऊंगी कि तुम यहाँ मेरा फायदा उठाने। मैम प्लीज ये सब मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आप जो बोलोगे मैं करूँगा प्लीज। ये हुई ना बात, मैम आज से तू मेरा गुलाम। मैम तू वही करेगा जो मैं कहूंगी। बोल मैम प्लीज। बोल मैं अब गुलाम। गुड। जहां जब मैं तुझे बुलाऊंगी तू तु चुपचाप आ जाना। जी मैम। हाँ रूबी बोलो। हेलो पापा, मुझे कॉलेज जाना है तो प्लीज आप ड्राइवर को भेज दो। नहीं भेज सकता। क्यों? मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जाना है। तभी तो मैंने आपको फोन किया, मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? ऑटो से चली जाओ। नहीं पापा, मेरा फर्स्ट डे आज कॉलेज का, मैं ऑटो से नहीं जाऊंगी। पापा एक काम करते, आप अपने बॉडीगार्ड को भेज दो, उससे तो ड्राइविंग आती होगी। ठीक है भेजता हूँ। ओके। सुनो सर, घर पे जाओ और रूबी को कॉलेज में ड्रॉप कर दो। आई एम सॉरी सर, मुझे आपकी सिक्योरिटी के लिए रखा है, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। जितना बोला जाए ना उतना करो। आई एम सॉरी सर, जाता हूँ। मैम 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 मैम
वाह, कौन कहता है कि तुम गरीब हो? अब ये पैसे मेरे। मैम ये सब आप क्या कर रही हैं? चुप, एक लफ्ज और। मैम ये पैसे मुझे घर भेजने प्लीज। ये सोच लो, ये पैसे ज्यादा प्यारे हैं या तुम्हारी नौकरी? ऐसे चुपचाप मेरी बात माना करो, ऊपर देखो मेरी ओर। मैम ये सब क्या कर रही है? मैम कोई देख लेगा। मैम मैम मत कीजिए प्लीज। मैम 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 उठिए मैम मैम। दिन के सब मैम आप गलत समझ रही हैं। मैम मैम आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं करता हूँ। वो रूबी मैम मुझे मजबूर कर रही है ये सब करने के लिए। कैसे? मैम वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझ पे झूठा इल्जाम लगा के मुझे नौकरी से निकलवा देंगी। मैम आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, मैं अभी जाके रतन को सब बताने वाली हूँ। मैम रुकिए प्लीज, आप ये सब मत कीजिएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा, मुझे प्लीज एक मौका दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? आओ आपसे एक बात पूछूं? पूछो। थोड़ी देर पहले आपने मुझे रूबी मैम के साथ देखा, तब भी आपने? तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैं गुस्से में पागल क्यों नहीं हो गई? ऐसे बिना रूबी मेरी सौतेली बेटी है,
और रूबी की ना मैं रग रग से वाकिफ हूँ। रूबी ना हाथ से निकल चुकी है। रूबी के एक बॉयफ्रेंड नहीं है, 2-3 बॉयफ्रेंड है, और ये सब रतन को पता है। और जहाँ तक मेरी बात है, वैसे भी रतन को मुझ पर कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, और मैं अकेली रह गई थी, इसलिए मुझे तुम्हारी जैसे किसी हैंडसम के साथ में थोड़ी खुशियां मिल जाए, इसमें गलत बात क्या है? मैं चलता हूं। सुनो, हमारे बीच की बात हमारे बीच में रहनी चाहिए, ये बात रूबी को नहीं पता चलनी चाहिए। सुनो, आज तुम अपने एक बॉडीगार्ड को घर पे ही छोड़ दो, मुझे ना स्टोर रूम की सफाई करवानी है। तुम्हें दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? ये मेरा बॉडीगार्ड है, तुम्हारा नौकर नहीं। तो तुम एक नौकर क्यों नहीं रखवा देते? मुझसे ना सारे घर के काम नहीं संभलते। मेरे पास बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं, सारा दिन घर में बैठ के करती क्या हो? मैं ना तुम्हारी नौकरनी हूँ, समझ आई? बस नहीं करो आप दोनों। पापा, वो एक दिन आपके साथ ले जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? तुम माँ बेटी भी ना। यश। जी सर। तुम आज घर पे रुक जाना, मैडम का हाथ बटाना। पहले मुझे कॉलेज छोड़ देना। Thank you.
इतनी जल्दी आ गए? क्यों? चौंक क्यों गए? मैं कहाँ चौंकी हूँ? तुम ही तो कहती हो ना कि जल्दी आया करो, जल्दी आया करो। तो आज जल्दी आ गए, चौंक क्यों गए तुम? मैं कहाँ चौंकी हूँ? चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना लेती हूँ, बाहर बैठ के पीते हैं। एक मिनट, अच्छा सुनो, तुम अपना बैग तो स्टडी रूम में रखते हो ना? आज मेरा यहाँ रखने का मन है। जाओ चाय बना के लाओ। मैम वो स्टोर रूम की सफाई कर दी मैंने, कोई और काम? नहीं नहीं तुम जाओ। जी मैम। सुनो सर, वो मेरा सर दुख रहा है, बाहर से गोली लेके आ। सब चल। बहुत हुआ, अब मैं घुट घुट के नहीं जी सकता। मैं उन माँ बेटी को अब अपने ऊपर और इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। मुझे ये बात कैसे भी करके रतन सर को बतानी पड़ेगी, और आई एम श्योर वो मेरी बात को समझेंगे, पर उन्हें मैं ये सच्चाई बताऊं कैसे? एक काम करता हूं, लेटर लिखता हूं, यही सही है। लेटर लिखता हूं। रतन सर, बड़ी हिम्मत करके मैंने आपसे एक बात बतानी चाहिए। आपकी पत्नी और बेटी मुझे कई दिनों से ब्लैकमेल करते हैं। और मेरा फायदा उठा रहे। मैंने आपसे बात कई बार बतानी चाहिए लेकिन हिम्मत नहीं। तो आज ये लेटर लिखकर मैं आपको ये सारी बात बता रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे। आपका वफादार बॉडीगार्ड याश। ये आपकी मेंस। यश वो रेड वाली फाइल देना। सर सर ठीक है, तुम जाओ घर, कल टाइम पे आ जाना। सर
कल रात को रतन सर ने मेरी चिट्ठी पढ़ ली होगी। अब पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, पर जो होगा देखा जाएगा। पापा आप यहाँ? आप यहाँ कैसे? इन्हें मैंने बुलाया है। पर क्यों सर? बताओ इसे। बदतमीज, इसी दिन के लिए तुम्हें पैदा किया था। रतन जी ने सब कुछ बताया, तुमने कैसे बच्ची और पत्नी के साथ बदसलूकी की, इनके घर की इज्जत को तातर कर दिया तुमने नालायक। सर सर ये सब झूठ है। रात को मैंने आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ दी सर, आपने पढ़ी थी ना सर? शट अप, वो सब बकवास था। वो चिट्ठी पढ़ी मैंने, और पढ़ने के बाद मैंने मेरी पत्नी और बेटी से बात की, और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे तुमने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ी। मैं अभी के अभी तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं, और यही नहीं, मैं अभी के अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करने जा रहा हूं। ऐसा मत कीजिए साहब, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आगे हाथ जोड़ते हैं। मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त। आपकी हर शर्त मंजूर है साहब। पापा मैं इसे इसकी हरकतों की सजा देना चाहता हूँ। आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बख्श दीजिए साहब। चिंता मत करो, मैं भी यही चाहता हूँ, और वो भी तुम्हारे बेटे के सामने। मेरी हिम्मत, तुम रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम। हाँ साहब। पापा तुम रुक जाओ यश, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। साहब खड़े हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। पापा इससे पहले कि मैं तुम दोनों को जान से मार दूं, सफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। निकलो यहां से, छोड़ूंगा मैं तुझे। पापा पापा आपने यश को इतने सस्ते में कैसे जाने दिया? थोड़ी बहुत शर्म बची है या नहीं, या अपनी माँ की तरह वो भी बेच खाई हो? मुझे सब पता है, यश ने उस चिट्ठी में जो कुछ लिखा था वो सब सच था। इनफ पापा, मैं आपको पहले भी बोला है कि मैं अपने लिए अपने शर्तों पे जीऊंगी, मुझे आपका कोई भाषण नहीं सुनना। मैंने तुम्हें ये बाजारू संस्कार दिए हैं? मुझे तो लगता है ना ये बिल्कुल अपने पापा भी गई है, जो अपने सिवा किसी के बारे में सोच नहीं सकता। अच्छा आज आप पापा बन रहे हैं, मुझे तो याद ही नहीं कि पिछले बार आपने मेरे से कब अच्छा वक्त बिताया था। तुम्हारी इस गैर मौजूदगी में मैं कब तक घुट घुट के जीती रहती, मेरी भी कुछ जरूरतें थी। बदतमीज, इस घर की जो भी हालत है ना उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, और अगली बार मुझे आंखें दिखाई ना तो हम दोनों तुम्हारे ऊपर घरेलू हिंसा का केस कर देंगे, और फिर तुम अपनी प्रमोशन हमेशा के लिए भूल जाना। चल रूबी। पापा बैठिए, आप ठीक तो हैं पापा? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। अरे पगले, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम किसी को भी सपने में भी चोट पहुंचा नहीं सकते। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था पापा।
सब मेरी वजह से हुआ। मैं तो बस बाप बनने का फर्ज निभा रहा था बेटा। से गांव चले जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, साथ में रहेंगे। पापा, 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 पापा क्या हुआ पापा? पापा, पापा आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते पापा, पापा उठिए, पापा, पापा। हेलो, नमस्ते, मैं एबीटी बैंक से अभिषेक बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात मिस्टर यश निगम से हो रही है? तो मैं यश बोल। सर, ये कॉल एक लोन के बारे में है जो आपके स्वर्गीय पिताजी ने लिया था। जी, मुझे अच्छे से याद है और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, मैं इस लोन की किफायत चुका दूंगा। थैंक यू सर। इस लोन की अगली किस्त भरने की तारीख 3 दिन बाद यानी 10 सितंबर है। जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लें, मैं किस्त चुका दूंगा ये वाली। जी, थैंक यू। रतन सर ने मुझे मेरे लास्ट मंथ की सैलरी नहीं दी, मुझे उनसे अपने हक के पैसे मांगने ही होंगे। रतन, किससे मिलने? रतन से। तुम कौन? बता। रतन, तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मैं अपने पिछले महीने की सैलरी लेने आया। सैलरी चाहिए? मेरा मुंह क्या देख रहे हो खड़े खड़े? धक्के मार के निकालो इसको। ए, ए! खोल दरवाजा। क्या कर रहे तुम? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीजी क्या होती है मैं तुझे बताता हूँ। मुझे मेरी सैलरी दे दे बस। पागल हो गया है क्या? हाँ पागल हो गया हूँ मैं, मुझे मेरे पैसे चाहिए, सैलरी दे मेरी। और ये तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? मुझे मेरे पिछले महीने की सैलरी चाहिए बस, सैलरी चाहिए मुझे मेरी। वो तुम्हें नहीं मिलेगी। और जो तुमने मेरे घर में घुसने की जरूरत की है ना, उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। रूबी, पुलिस को फोन लगाओ। यस पापा। ले! हिम्मत तो देखो, दो बॉडी का बॉडीगार्ड। रूबी, रूबी, तेरी तो आलिफ अब गया, गया तू।
ए, पागल हो गया क्या? पागल हो गया छोड़ूंगा नहीं तुझे, मारा लूंगा। मार दिया, बेटी को मार दिया, जानवर है क्या तू? अब मैं पागल हो गया, अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। मार डालेगा मुझे आज ये, क्या करूं? ए! मेरा बॉडीगार्ड होके मुझे ही, मुझे ही जान से मारने पे तुला हुआ है। यस, गोली, यस, मारना नहीं, गोली नहीं चलाना। भाग, पागल हो गया क्या तू? तो भाग ना, पागल हो गया क्या? मत कर ऐसा, भाग, भाग, गलती हो गई है, हाथ जोड़ के माफ मांग तू। मत माफ, तुझे माफ, तुझे माफ नहीं, मेरे पापा करेंगे, उनके पास जाएगा जब तुझे माफ करेंगे वो। नहीं, यस, गलती हो गई, सॉरी बोल, सॉरी, सॉरी, नो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, नो सॉरी, नो सॉरी, रुक जाओ, गोली चला दूंगा मैं, मार दूंगा तुझे। एक आदमी से जानवर बनते शर्म नहीं आई तुझे? हाँ मैं जानवर हूं, क्योंकि तुम इंसानों के बीच मेरी कोई जगह नहीं, और मुझे जानवर बनाया इसलिए मेरी गलती बस इतनी सी थी कि मैंने इंसानों पे भरोसा कर लिया, भरोसा कर लिया मैंने इन पे, और इनके दलदल में फंसता चला गया। अगर मैंने सच का साथ दिया होता तो मेरे पिताजी जिंदा होते इसने मारा है मेरे पिताजी को। चलो लेके चलो इसे।